क्या नाम है भैया आपका? रंजीत कुमार शाह। आपका घर कहाँ पड़ेगा? गोपालगंज। बिहार से आया है? बिहार से। तो भैया आपका फाइनली मेडिकल हो गया है और वीज़ा आपका आ गया, ठीक है? तो कहाँ, किस कंट्री में जा रहे हैं आप? कुवैत। कुवैत जा रहे हैं आप किस काम से? इलेक्ट्रीशियन के। इलेक्ट्रीशियन में फ्रेशर आप हैं? हाँ फ्रेशर। ठीक है। अच्छा ये देखिए भैया, अगर वहाँ पे जाने के बाद अगर काम नहीं कर पाते हैं, वापस आते हैं, तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। ऐसा नहीं होता है कि आप वहाँ चले गए फिर बाद में करें भैया हमको काम नहीं करना है। अच्छा, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, ठीक है। यानी आपने इलेक्ट्रीशियन में वीज़ा अप्लाई किया है, इसका मतलब आपको काम आता है, आपने इंटरव्यू दिया होगा तब ना? हाँ, इंटरव्यू दिया है। तो यकीनन आपको वहाँ काम करना चाहिए, इसलिए कि इंटरव्यू देने के बाद आप पास हुए होंगे, फिर आप सिलेक्शन आपका हुआ है, वीज़ा आ गया। ठीक है। तो आपका मेडिकल के बारे में बताइए, कैसे मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम रहा है, चाहे बताइए मेडिकल के बारे में। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मतलब पहली बार में ही हो गए? पहली बार में ही फिट हो गए। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो आप किस माध्यम से हमारे ऑफिस पे आए थे? वीडियो देख के आए थे, तो फेसबुक वीडियो। हाँ, तो हमारे ऑफिस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऑफिस बढ़िया है। मतलब जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या बताएंगे, जैसे ऑफिस के बारे में कुछ प्रॉब्लम चाहे कुछ चीज़ें बताइए? नहीं, ऑफिस बढ़िया है, यहाँ से जाने लायक है, जा सकते हैं। हाँ, अर्जेंट के चक्कर में पढ़ने का नहीं। हाँ, यहाँ पे वीज़ा आने से पहले आपसे एक भी रुपया लिया गया? नहीं, वीज़ा के पहले नहीं। वीज़ा आने के बाद लिया गया ना? वीज़ा आने के बाद लिया। वीज़ा आ गया उसके बाद से पैसे की बात हुई, उससे पहले आपसे कोई रुपया नहीं लिया गया? ठीक है, नहीं लिया। तो आपका नाम क्या बताया है? रंजीत कुमार शाह। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से जाइए विदेश, कमाइए वहाँ पर मेहनत करके, और आपने जो बहुत आप खुश नसीब है कि आपका वीज़ा